हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ होली स्पेशल गुजिया। होली में गुजिया तो सभी के घर पे बनती हैं, तो चलिए गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बर्तन में 2 कप मैदा ले लूँगी। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून घी। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा के लिए 1 टेबल स्पून घी का यूज किया है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे ऐसे बाइंड करके चेक कर लेंगे। अगर ये ऐसे बाइंड हो रहा है तो समझो हमारा घी सही क्वांटिटी में डला है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूंथ लेंगे। और जब हम मोयम घी का डाल रहे हैं तो गूंदने के लिए गुनगुना पानी का यूज करते हैं। तो गूंथने के लिए मैंने पानी थोड़ा गुनगुना लिया है। डो हमने थोड़ा सख्त लगाना है और इतना सख्त कि हमें बेलने वक्त घी या सूखे मैदे की जरूरत ना पड़े। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गूंथ लेंगे ताकि डो ज्यादा नरम ना हो। मैंने सख्त डो लगा दिया है। अब इसे ढक के 20 से 25 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम गुजिया की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए गैस पे पैन या कढ़ाई गरम कर लेंगे। उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। सूजी को मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। सूजी का कलर चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है, तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। थोड़ी इसे और चला लेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है। अब मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी। चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके मैंने पाउडर बना लिया है। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ये चीनी का पाउडर ले लिया है 1 प्लेट में। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सूजी जो मैंने भून ली है। सेम उसी कढ़ाई में मैं 1 कप काजू ले लूंगी। इन्हें भी हल्का रोस्ट कर लूंगी। आप चाहो तो काजू को बारीक काट के ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका पाउडर बनाऊंगी इसलिए साबुत काजू ले रही हूँ। काजू हल्के रोस्ट हो गए हैं। अब इसका मिक्सी में पाउडर बना के उसी प्लेट में ऐड कर दूंगी जिसमें हमने चीनी और सूजी लिया है। अब ये मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर लिया है, इसे भी एकदम हल्का रोस्ट कर लूंगी। आप इसकी जगह सूखा नारियल ग्रेट करके भी ले सकते हैं और इसे भी मैं उसी प्लेट में डाल दूंगी। अब मैं मावा को रोस्ट कर लूंगी। 125 ग्राम मावा लिया है मैंने। मावा को तोड़कर कढ़ाई में डाल लेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मावा का कलर भी चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है। मावा भी रोस्ट होके रेडी है, इसे भी उसी प्लेट में डाल लेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी किशमिश, 7 से 8 ग्रीन इलायची जिसे मैंने छील कर दरदरा कूट के डाला है, और 7 से 8 काली मिर्च इसे भी मैंने दरदरा कूट के डाला है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्पून से सही से मिक्स नहीं हो रहा था तो मैं इसे हाथों से अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लूंगी। स्टफिंग को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो स्टफिंग बन के हमारी बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। आटे को ढक के रखे हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो अब आटा भी अच्छे से हमारा सेट हो गया है। हल्का सा मसल लेंगे इसे, छोटी छोटी गोल पेड़े टाइप लोई बना के रेडी कर लेंगे। अब इसे पूरी के बराबर पतला बेल लेंगे, किनारों से मोटी नहीं होनी चाहिए, एक जैसी बेल के तैयार कर लेंगे। तो ये मेरी गुजिया की पूरी बनकर रेडी है। अब ये गुजिया बनाने वाला मोल्ड है, इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद इस गुजिया पूरी को इसके ऊपर रख लेंगे। इसे मोल्ड के ऊपर अच्छे से सेट करके और इसमें 2 टेबल स्पून ऐसे स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने के बाद इसके चारों तरफ से हल्का सा ऐसे पानी लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा और फ्राई करते हुए गुजिया हमारी खुलेगी नहीं। अब इस मोल्ड को ऐसे बंद कर लेंगे और चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेंगे। अब इसे अच्छे से खोलेंगे और गुजिया को निकाल लेंगे। ये देखिए, ये मेरा एक गुजिया बन के रेडी है। सेम इसी प्रोसेस में मैं सारे गुजिया बना लूंगी। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके साथ घर पे कोई है तो आप हेल्प लेके जल्दी बना सकते हैं। तो ये मैंने सारी गुजिया बना के रेडी कर ली है। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। आप घी या ऑयल जिसमें भी फ्राई करना चाहते हैं उसे मीडियम गर्म कर लें।
मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए थोड़ी पहले रख लिया था, तो ऑयल को चेक कर लेंगे। छोटा सा आटा का टुकड़ा डालूंगी, चेक कर लूंगी, इसमें बबल आ रहे हैं, फ्राई होके ऑयल के ऊपर आ रहा है, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और ऑयल में जितनी गुजिया आ सकती है उतनी गुजिया डाल लेंगे। जब ये एक साइड से हल्का फ्राई हो जाएंगी तो इन्हें पलट लेंगे और इन्हें पलट पलट कर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए गुजिया का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, यानी कि गुजिया हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। निकाल लेंगे इन्हें और सेम इसी प्रोसेस में सारी गुजिया फ्राई कर लेंगे। और एक बार की गुजिया फ्राई होने में 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। और ये मैंने सारी गुजिया फ्राई कर ली है। हमारी सूजी मावा की गुजिया बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी गुजिया बनी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।